कि नबी अली सलाम के लिए राइना ना कहना, कहना क्या है, हम पे नजर रहमत फरमाए। यहां पर इस आयत मुबारका में हजूर अली सलाम के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, अल्लाह ने कुलिया और कायदा बयान कर दिया कि वो अल्फाज जिसमें तौहीन का जरा भी शुबा हो, जरा भी, वो हजूर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यही वजह है कि आला हज़रत बाबा अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम के लिए तस्खीर के अल्फाज इस्तेमाल करना जायज नहीं। तस्खीर के अल्फाज जिसमें, तस्खीर के अल्फाज होते हैं जिसमें किसी चीज के छोटे होने को बयान किया जाता है, उसको कहते हैं तस्खीर का लफ्ज। मिसाल के तौर पर राजुल कहते हैं अरबी में, राजुल कहते हैं मर्द को, और उसकी तस्वीर होती है रुजैल, रुजैल कहते हैं छोटे मर्द को, यानी छोटे कद का जो होगा उसको रुजैल कहते हैं। तो कहा ये लफ्ज हुजूर के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें छोटे का माना पाया जा रहा है और किसी को छोटा कहना ये बेअदबी होता है, तो हुजूर को छोटा नहीं कह सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से पूछा, ऐ हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला आप बताएं आप बड़े हो गए मैं, कहने लगे नबी खुदा बड़े तो आप हैं, बस पैदा पहले मैं हो गया। इसी तरह की रिवायत सुनन तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हजरत उस्मान खली रजी अल्लाह तआला अन्हु से है कि हजरत उस्मान खली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु से गियाथ बिन अशियम गलबन उनका नाम था, उनसे पूछा कि आप बड़े हैं कि हजूर बड़े हैं, कहने लगे बड़े तो हजूर हैं बस जल्द पैदा मैं हो गया था। कितना अदब का अंदाज है, कितना अदब का अंदाज है, हुजूर सलाम के लफ्ज बोलने को कितनी इख्तियार है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शायर है, उसने कोई कलाम लिखा हुआ था और कहने लगे हुजूर आपको मैंने कलाम सुनाना है, मैं क्योंकि आलिम नहीं हूँ आप मेरा कलाम सुनने को गलती है तो बयान करें। आपने कलाम देखा, उस कलाम में एक शेर था कि कब खड़े हैं, यानी कि हुजूर सलाम के रोज़े अनवर को और बाहर जो खजूर के दरख्त है ना उसको उसने बयान किया। पुरानी मदीना शरीफ की तस्वीरें अब भी देखते हैं ना तो वहां खजूर के दरख्त नजर आते थे पुरानी तस्वीरों में, अभी तो जो आप आ रही हो उसमें तो करीब करीब नहीं है वो खजूर के दरख्त, लेकिन पुरानी तस्वीरों में मदीना शरीफ बना था ना सार दो खजूर के दरख्त जो लगे हुए थे तो आगे से थोड़ी सी झुकी होती थी। तो शायद ने अपने तखय्युल में बयान किया, कहते हैं कब खड़े हैं खजूर के दरख्त दरे वाला के सामने, कब खड़े हैं खजूर के दरख्त दरे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं कुल्लिये लैला के सामने। कहता है ये खजूर के दरख्त नहीं है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाने हैं जो झूठ झुके हुए हैं। ये मजनू लैला ने कुछ नहीं झुक के खलोतो सी है महबूब देखो, फरमाया के भी महबूब देखो झुक के खलोते क्योंकि दरख्त तो थोड़ा जिया खजूर का झुके हुआ है, फरमाया झुक के खलोते हूं। वैसे तो बड़ा मजेदार शेर है, साढ़े वर्ग के बंदे नहीं जरूर आवे, अगर समझ आ गई इंसानी जरूर आवे, लेकिन जब आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शेर सुना तो आप कि चेहरे का रंग तब्दील हो गया, कहा कि ये तुमने कैसे अल्फाज बोल दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर क्या होगा क्या गलती है। कहा तुम ये तो देख रहे हो कि तुमने दरख्तों को मजनू बना दिया है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर को तुमने कुल्लिये लैला के साथ मिला दिया। हुजूर के रोजे को लैला के साथ मिला देना या हुजूर की जात को लैला के साथ मिला देना, बताओ ये हुजूर का अदब है, ये हजूर की शान का उलूम और उरूज में अंदर रहे हो या ये बेअदबी के जुमे में आता है। वो कहने लगा हजूर माफ कर दे मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं थे, मैं शायद मैंने तो शेर को देखना था कोई लफ्ज मिल नहीं रहा, आला हजरत ने कहा मैं लफ्ज लेता हूं और बताता हूं कि हजूर की नात कैसे लिखते हैं, फिर आला हजरत ने उसी शेर को दोबारा से रीडिजाइन किया दोबारा बनाया और कहा कि कब खड़े हैं खजूर के दर दरे वाला के सामने, कब खड़े हैं खजूर के दर दरे अल्फाज और हजूर के इन अल्फाज का चुनाव ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। हजूर के अल्फाज कौन से बोलने कौन से नहीं बोलने, अल्लाह फरमाते दो धारे तलवार है नात लिखते, दो धारे तलवार है नात लिखते हुए लफ्ज थोड़े से नीचे गिरा दोगे ना हल्का लफ्ज लेके आओगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम हजूर की तोहीन करके काफिर हो जाओ।
और अगर लफ्ज हद से बढ़ा के बड़े अल्फाज लेकर आ जाओ कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को रब से मिला के शिर्क करके काफिर हो जाओ, तो यहां लफ्ज का थोड़ा सा ऊपर हो जाना या थोड़ा सा नीचे हो जाना दोनों हलाकत है। इसलिए फरमाया गया हुजूर अलैहिस्सलाम की नाद लिखना हर बंदे का काम नहीं है। आज हमारी बदनसीबी भी है कि आज हमारे स्टेज पे हर बंदा आके अपने कलाम सुना जा रहा है और हम बड़ा शौक से बुलाते हैं जनाब बड़े शायर हैं जी हमारे झंके बड़े मशहूर हैं जी फलां शहर से बड़े मशहूर शायर हैं। शायर से पूछो आलिम है, अगर वो आलिम नहीं है ना चाहे जितना मशहूर हो जितने मशहूर उसके जो है वो कलाम हो उसको उसका कलाम कभी ना सुने, उसका कलाम कभी ना सुने कि जो सिर्फ शायर है आलिम नहीं है सिर्फ उलमा के ही कलाम सुने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब यह है और सहाबा किराम को भी देखें तो उनका यही अदब था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो ना तो फिर लफ्जों को बड़ा एहतियात से बोलना चाहिए। बल्कि आखिर में चलो एक शेर ही सुना देता हूँ आपको, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़ा जबरदस्त शेर मैंने आज पढ़ा, कहते हजार बार बशोयम दहन बखुश को गुलाब हुनूद नाम तू कुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। कहते अगर हम अपने जबान को हजार बार खुश को गुलाब से भी धोए ना तब भी हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेना बड़े बेअदबी से लग रहा है, हमारी जबान इस काबिल नहीं है हम चाहे हजार बार ही धो ले। फिर कहते हैं अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुकतर, कहते आसमान के नीचे एक ऐसी अदब गाह है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक है तो अर्श के नीचे लेकिन उसका अदब अर्श से भी ज्यादा है। नफ्स गम करता मी आयत जुनैद बायजीद ईजा, कहते कि हजरत जुनैद बगदादी और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा भी जहां सांस रोक के हाजिर हुआ करते हैं, ये वो बारगाह है जहां जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे भी सांस रोक लेते हैं वो हुजूर की बारगाह का अदब। हजरत माशा स्पीकर ने एक मतलब आवाज सुनी मदीने के करीब रहने वालों की और कुंडी वगैरह ठोकने की आवाज, आपने बकायदा बंदों को भेजा कहा इनको पैगाम दो इस आवाज के जरिए से हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, हुजूर के पड़ोस में रहते हो ना ऐसी आवाज भी हुजूर के दर पे और हुजूर के पड़ोसियों के लिए दुरुस्त नहीं है जितनी वो कील ठोकने के व्यक्ति कहा नहीं इसमें भी एहतियात करो ये आवाज हुजूर तक पहुंचे हुजूर को तकलीफ ना पहुंचे। आज लोग जाके पता नहीं क्या से क्या करते मदीना मुनव्वरा में भी जाके माशाल्लाह हाफिज साहब भी हमारे उमरा करके आए देखे रियाजुल जन्ना में लोग जाके हमारे लोग तस्वीरों के चक्कर में क्या से क्या कर रहे होते अल्लाह की पना अल्लाह ताला टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए को गलती कोताही हो गई और रहमत के सदके माफ फरमाए आमीन।